बॉलीवुड स्टार्स को महंगी महंगी कार्स का बहुत शौक है और इस मामले में ऋतिक रोशन भी पीछे नहीं है। ऋतिक को भी गाड़ियों का बेहद शौक है, जिसके चलते उन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले अपनी मर्सिडीज वी क्लास को मॉडिफाई करवाया है, जो अब और भी आलीशान बन गई है। आइए दिखाते हैं आपको उसकी इनसाइड पिक्चर्स। ऋतिक की मर्सिडीज को DC2 कंपनी ने कस्टमाइज किया है और ऋतिक की कार के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी कार कितनी अंदर से आलीशान है। वैसे ऋतिक की मर्सिडीज को कस्टमाइज करने में पूरे एक महीने का टाइम लगा है, जिसके बाद ये एक चलते फिरते महल की तरह दिखती है। ऋतिक रोशन की वी क्लास के अंदर के हिस्से को मॉडिफाई किया गया है, जहां पर दूसरी लाइन की सीट को कैप्टन सीट के रूप में रखा गया है, तो वहीं तीसरी लाइन को सोफा सीट के रूप में रखा गया है और दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। इस सोफा सीट में हॉरिजेंटल और फुट रेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिस वजह से ये सीट एक बेड की तरह बन जाती है। वहीं कार में अंदर की तरफ एम्बिएंट लाइटिंग और रीडिंग लाइट लगाई गई है। इसके साथ ही इंटीरियर में कई जगहों पर लकड़ी के साथ क्रोम लगाया गया है। इसकी छत पर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, साथ ही इसमें रेफ्रिजरेटर और सेंटर टेबल की सुविधा भी है। वहीं गाड़ी में लाइटिंग पर भी बारीकी से काम किया गया है। कार के इंजन आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा गाड़ी में ट्विन जंप सीट है, साथ ही इसमें 32 इंच का TV भी लगा है। इसके अंदर लेदर का काम किया गया है। ऋतिक की पसंद को ध्यान में रखते हुए गाड़ी की सीट का रंग भी सफेद रखा गया है और आगे दो सीटों में इलेक्ट्रिक कंट्रोल भी दिया गया है। आपको बता दें कि इंटीरियर किट की कुल कीमत कार की कीमत से करीब 34 लाख रुपए बताई गई है। और आपको बता दें कि वी क्लास का स्टैंडर्ड एडिशन 68.4 लाख रुपीस एक्स शोरूम से शुरू होता है। तो जल्दी से बताइए कि आपको ऋतिक की ये महंगी